बिहार के शिक्षक लगातार अपनी हक की लड़ाई के लिए आवाज़ बुलंद करते रहे हैं, या फिर सड़कों पर उतर के हो या फिर धरना स्थल पर बैठ के हो, लेकिन अपनी मांग को लेकर के आह्वान करते ही रहते हैं, आगाज करते ही रहते हैं। लेकिन इस बार वैशाली से जो खबरें निकलकर सामने आ रही है उसमें गैर शैक्षणिक कार्य को लेकर के 85 शिक्षकों ने BLO के पद से इस्तीफा दे दिया है। इन सारे मुद्दे पर अब खुलकर के जो TET के प्रदेश अध्यक्ष अमित बिक्रम, उन्होंने खुलकर बातें रखी है, उन्होंने कह दिया और सरकार की तरफ से चेतावनी भी दी है कि गैर शैक्षणिक कार्य कोई भी हो, सरकार कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रख ले या फिर अपने विभाग के किसी भी इंसान को रख ले, लेकिन हम लोग जो शिक्षक है तो हम लोग सिर्फ पढ़ाने का कार्य करेंगे, इसके अलावा किसी भी तरीके का गैर शैक्षणिक कार्य नहीं करेंगे। क्या कुछ कहा अमित बिक्रम, पहले सुनिए। कल पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 85 शिक्षकों ने अपने गैर शैक्षणिक दायित्व जो कि BLO का कार्य है उससे इस्तीफा दे दिया है। पूरे बिहार के शिक्षक एक एक करके BLO के कार्य से इस्तीफा दे रहे हैं। पिछले सप्ताह में खगड़िया वैशाली के शिक्षकों ने इस्तीफा दिया था और अब पटना के शिक्षक भी BLO के कार्य से इस्तीफा दे रहे हैं। संदेश स्पष्ट है कि हम केवल और केवल अपना शैक्षणिक दायित्व का निर्वहन करेंगे। सरकार जो हमसे दर्जनों गैर शैक्षणिक कार्य कराती है, हम उसमें सरकार का कोई सहयोग नहीं करेंगे। BLO का कार्य चाहे सरकार किसी अन्य विभाग के कर्मी से कराए या कॉन्ट्रैक्ट पर कर्मियों की बहाली करे, उसके लिए शिक्षक 9 से 4 विद्यालय जाने के बाद घर घर जाकर के होम टू होम सर्वे करें, ये कहीं से भी संभव नहीं है। हम पर पहले से ही बहुत ज़्यादा काम का दबाव है, उस दबाव में शिक्षक मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और उसके बाद उन्हें कहा जाता है कि घर घर जाकर के सर्वे कीजिए, ये शिक्षकों का काम नहीं है, दायित्व तो नहीं है। शिक्षक अब इससे किनारा कर रहे हैं और धीरे धीरे करके पूरे बिहार के शिक्षक BLO के कार्य से इस्तीफा दे रहे हैं। आपने पहले भी देखा था कि अन्य जिलों में इस्तीफा दिया जा रहा था और अब पटना तक ये बात पहुंच गई है। आने वाले समय में सरकार को चुनाव कराना मुश्किल हो जाएगा। ये जो BLO का काम हमसे करवा करके अन्य विभाग के कर्मियों का खर्चा बचा लेती है और शिक्षकों पर एक्स्ट्रा बोझ डालती है, शिक्षक अब इस चाल को समझ चुके हैं, सरकार के झांसे में नहीं आने वाले हैं। किसी भी गैर शैक्षणिक कार्य में सरकार का हम सहयोग नहीं करेंगे, क्योंकि सरकार हमारा सहयोग नहीं कर रही है। हमारी जो एकमात्र मांग है राज्यकर्मी का दर्जा, सरकार वो देने से हिचक रही है, सरकार पीछे हट रही है, वादा करके मुकर रही है, हमें झूठे आश्वासन देकर कितने महीनों से लटका कर रखे हुए है। इस वजह से हम गैर शैक्षणिक कार्यों के खिलाफ आंदोलन चला रहे हैं और गैर शैक्षणिक कार्यों का बहिष्कार कर रहे हैं और आगे भी यह जारी रहेगा। जब तक हमें राजकर्मी का दर्जा नहीं मिल जाता है, हम सरकार के किसी भी काम में सहयोग नहीं करेंगे, केवल और केवल 9 से 4 विद्यालय में अध्यापन कार्य करेंगे, इसके अलावा कोई भी किसी भी तरह का काम नहीं होगा। चूंकि RTE में भी उल्लेख है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में भी उल्लेख है कि शिक्षकों से कोई भी गैर शैक्षणिक कार्य नहीं कराना है, फिर भी सरकार उनको मजबूर करती है, तरह तरह के प्रलोभन और झूठे आश्वासन दे करके अपना काम करवाती है। लेकिन अब शिक्षक इस चाल को समझ चुके हैं और उनके झांसे में अब हम लोग नहीं आएंगे। हमारा पूरा शिक्षक समाज एकजुट है और एक साथ मिल करके हम गैर शैक्षणिक कार्यों का बहिष्कार करेंगे। धन्यवाद। तो सुना आपने कि जिस तरह से बिहार के अलग अलग जिले में सभी शिक्षक कई सैकड़ों की संख्या में, यूँ कह ले तो अब तो हजारों के भी संख्या बल में अब हो चुके होंगे, जिस तरह से गैर शैक्षणिक कार्य से अब इस्तीफा दे रहे हैं, ऐसे में साफ स्पष्ट होता है कि अब शिक्षक आर पार की लड़ाई के मूड में है, वो पढ़ाने के अलावा कोई और कार्य नहीं करेंगे। तो ये सर विभाग के लिए एक बड़ी चेतावनी, अब देखना होगा कि विभाग क्या करती है। लेकिन जिस तरह से शिक्षक ने साफ तौर पर कह दिया कि हम काम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने का करेंगे, ऐसे में अब सभी जो प्रदेश अध्यक्ष है वो खुल करके अपनी बातें रख रहे हैं। फिलहाल के लिए ताई बन रहे कसे के साथ पटना संघ की दर्शन की रिपोर्ट।